कॉन्सर्ट भी इनका और एमएलए भी इनका, तो पार्किंग कौन देगा? एक मिनट, तीन साल पहले हमें बिरयानी कोर में खा रहे हैं, जब लात लग गई तो अब बीजेपी के गुण गा रहे हैं। पागल आदमी ये चमचे कभी वफादार नहीं होते, और वफादार कभी चमचे नहीं होते। विधायक जी को बुलाओ। आपके पास में हॉस्पिटल में इतनी जगह अवेलेबल तो है नहीं है जो आप 600 बेड कर दोगे। पास हो चुका है, बनने के लिए तैयार है 600 बेड का हॉस्पिटल। कितने मोहल्ला क्लिनिक चालू है सीलमपुर विधानसभा में? ये जैकेट के काम करते हैं ये दुकानदार है। एक दिल्ली ये भी है, सीलमपुर जाफराबाद चौहान बागर गंदगियों के अंबार भरे पड़े हैं। अगर कूड़ा नाली से भी निकलता है तो तुरंत उठाया जाता है। केजरीवाल सरकार ने मॉडल स्कूल बनाए हैं। केजरीवाल के काम के नहीं पूछ रहा हूँ, पहले ये अपना ही काम बता दे। बात केजरीवाल की कर रहे हैं, अपने काम पे जीरो है ये। भाई के ज्ञानी है, ज्ञानी से ज्ञानी मिले, ज्ञानी को मिले ज्ञान। सर सर देखिए सर, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अकरम खान और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सवाल आपके। सवाल आपके कार्यक्रम आप देख रहे हैं द न्यूज़ बास्केट चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर। अपने आप में ये सोशल मीडिया, और सोशल मीडिया पहुंच रहा है आपके घर तक, आपके दिल तक और आपके मोबाइल तक। जनता, अपने कैमरा पर्सन रोहित से मैं कहूँगा कि अगर वो दिखा सकें, इस वक्त हम लोग मौजूद हैं सीलमपुर विधानसभा क्षेत्र में। सीलमपुर विधानसभा क्षेत्र में आप देख सकते हैं कि जो जनता है सारी वो यहाँ पर मौजूद है। चार वार्ड हैं अपने आप में, वो चार वार्ड के जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार है इस वक्त दिल्ली में और यहाँ के काउंसलर हैं अब्दुल रहमान। सवाल करते हैं सबसे पहले, सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, खड़े होकर बात कीजिएगा, इस वक्त जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो क्या है आपके इलाके की? सवाल पूछिएगा, वो कैमरा चल रहा है। हमारा जो पानी था गंगा का, वो यहाँ पर हम 21 साल से बढ़िया करके पी रहे थे। जब से ये इशराक साहब बने हैं एमएलए, हाजी भूरे साहब, जब इन्होंने पानी को यहाँ से डिवाइड कर दिया और जो पानी हमारा था वो बाबरपुर विधानसभा में जो मंत्री हैं, तो क्यों ऐसा, ऐसा क्यों किया? आपने सवाल किया उनसे? ऐसा इसलिए किया कि उन्हें कुछ आता ही नहीं है काम। नहीं, वो तो बात अलग, आता नहीं आता कोई बात अलग है, लेकिन क्या वजह रही कि उन्होंने काटा? वजह क्या रही? पानी की किल्लत है, उन्हें वजह बता ही नहीं सकते ना, जब वो कुछ जानते नहीं है तो वजह बताएंगे क्या? वो तो अपने अधिकारी, आपने अपनी बात पहुंचाई, उन्होंने अधिकारियों से, उन्होंने अधिकारियों से कहा, अधिकारियों ने कहा आप व्यवस्था कीजिए, उन्होंने यहाँ पर ट्यूबवेल बनवा दिए और समरसीवर का पानी आज जनता को पिला रहे हैं इलाके की। केजरीवाल ने स्वास्थ्य के मामले में तो बहुत कुछ किया है। सर पानी की बात चली, भी सिर्फ पानी पे एक करके जवाब दूंगा। हाँ मैं बताऊं आपको, यहाँ पर हमारे यहाँ जगप्रेत चंद्र हॉस्पिटल है, आज तक उसके अंदर में ना तो सीटी स्कैन है ना एमआरआई है, मतलब इतना हाल खराब हो रखा है कि हमें बार बार दूसरे हॉस्पिटलों में जाकर और फिर जाना पड़ता है। गरीब आदमी कहाँ से 700 रुपया जो है एमआरआई का देगा और 500 रुपया कहाँ से सीटी स्कैन का देगा? सरकार ये कहती है कि, सरकार ये बोलती है कि हमने जो बड़ी बड़ी मशीनें हैं, चाहे वो सीटी स्कैन की हो या और दूसरी बड़ी मशीनें हैं, उन सबका इंतजाम किया हुआ है, जनता वहाँ तक पहुँच रही है, उनकी सेवाएं ले रही है। वो इंतजाम क्या आपने दरबार में कर रखा है? किसी हॉस्पिटल में क्यों नहीं पहुँच रहा है? गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पहुँचना चाहिए ना। सवाल है, जवाब लेते हैं सर, अभी जवाब लेते हैं। अब्दुल रहमान साहब, देखिए सीधा जवाब है, अटैकिंग जवाब आपसे सवाल पूछा है कि एक तो पानी आता था गंगा का, पानी डाइवर्ट हो गया और जो हॉस्पिटल में सेवाएं थी, जो बड़ी मशीनें थी वो नहीं मिल पा रही हैं। देखिए बड़े भाई हैं मेरे, उनको जानकारी का अभाव है। पहली बात तो ये कि पानी 4.5 साल में यहाँ से ट्रांसफ़र नहीं हुआ। मेरे बड़े भाई जनाब चौधरी मतीन अहमद साहब जिस वक्त यहाँ एमएलए थे, उस वक्त गंगा का पानी यहाँ से काट करके साउथ दिल्ली भेज दिया गया। केजरीवाल की सरकार आने के बाद वो पानी वापस लाने का काम आम आदमी पार्टी ने किया। मतलब ये काम चौधरी साहब नहीं, देखिए काउंसलर साहब जो बता रहे हैं आपको मिसगाइड कर रहा है। काउंसलर साहब को मालूम है जब ये पानी वहां पर चला गया था उस टाइम में तो यहाँ बवाल कटा था और इन्होंने आफत जोती थी, इन्होंने ये मांग उठाई थी कि हमारा पानी यहाँ का वहाँ क्यों भेजा गया। इनका ये बोलना है कि पानी बवाल आपने काटा है। सर चौधरी मतीन ने यहाँ पर पानी वापस लाया था, चौधरी मतीन ने पानी की व्यवस्था करी थी और फिर पानी लौट के यहाँ पर गंगा का ही दिया गया था। उसके बाद चुनाव हुए, चुनाव में चौधरी मतीन साहब हार गए और ये पानी हमारे हाजी इशराक साहब ने, इनके जो मंत्री जी हैं बाबरपुर के, उनके सुपुर्द कर दिया। साहब देखिए आपके खाते में पड़ गया पानी, आपने डाइवर्ट किया, बता मैं आपको बता देता हूँ, उनको जानकारी नहीं है, बस इतना सा ही फर्क है। पानी हम लेकर के आए हैं और 2015 नवंबर में लेकर के आए हैं, उसकी तारीख भी बता सकता हूँ मैं आपको। पानी हम लेकर के आए, रहा 12 का बात, मेरे भाई कह रहे थे कि हाजी इशराक ने यहाँ 12 लगवा दी, 12 लगे हुए अभी 1 महीना हुआ है, 1 महीने में ग्रोथ भी कम हो गई, बाल भी खराब हो गए और 12 जो 12 लगी है उसका पानी 300 फीट से। ये बात तो हम मैं पहले कह रहा हूँ ना कि भाई अगर 12 अगर आज पानी आप पी रहे हो, 1 महीना हुआ है, ये आपकी बच्चियों को उस वक्त पता चलेगा जब नहीं, ये कह रहे हैं कि
ये बोल रहे हैं कि अभी एक महीने पहले लगा है भाई। एक अब 10 साल छोड़ देंगे आप पानी को तो बच्चों का क्या हाल होगा? आज ही तो बात करी जाएगी, किसी खराब काम की बात आज की? विधायक जी को बुलाओ, पहली बात तो ये कौन सा साहब है, इनकी कोई इनके कोई समस्या नहीं है, हमें इनसे कोई परेशानी नहीं है। एमएलए को बुलाओ, आपके विधायक से प्रॉब्लम है। हमने बोला था विधायक को, हमने विधायक साहब को कहा था आने के लिए कि यहाँ पर आए और बात करें। चलिए आप बैठिए, मैं और भी आऊंगा, कुछ और लोग भी। मैं आपको बताता हूँ, पूरी दिल्ली के अंदर, पुरानी दिल्ली में एक जमाने से ट्वेल चल रही है और ट्वेल का पानी लोग पी रहे हैं, नहा रहे हैं। सबमर्सिबल का पानी चल रहा है दिल्ली में, काफी इलाके ऐसे, साउथ दिल्ली में भी ऐसी कई सारी जगह तकरीबन ज्यादा जगह जहाँ पर सबमर्सिबल का पानी सप्लाई था। और संगम बिहार अपने आप में एक बड़ी बहुत ही मोहल्ला क्लिनिक खोले थे इन्होंने, कितने मोहल्ला क्लिनिक चालू है सीलमपुर विधानसभा में बताया जाए ना, कितने मोहल्ला क्लिनिक चालू है बताइए। अस्पताल के अंदर इतनी परेशानी है कि वहाँ पे लोगों से सही तरीके से बात तक नहीं करते हैं, और कोई भी उसके अंदर खाली दवाइयों की उसके अंदर सारी सुविधाएं हैं और बाकी कोई सुविधा नहीं है। चलिए ये देखिए हॉस्पिटल की, अब्दुल साहब हॉस्पिटल की सबसे बड़ी बात बताइए, यहाँ पर एक तो इधर इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक की बात करी है, दूसरा ये कि यहाँ पर जाते हैं जो यहाँ का एम्प्लॉई है वो बहुत मिसबिहेव करता है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए मैं आपको दो चीज़ बताना चाहता हूँ, हमारे यहाँ जो हॉस्पिटल है इसको बढ़ा करके 200 बेड से 600 बेड का किया जा रहा है, बहुत जल्द इस पर काम शुरू हो जाएगा। और जब 600 बेड का हॉस्पिटल बनेगा वो सारी फैसिलिटीज़ जो मेरे बड़े भाई अभी कह रहे थे, सीटी स्कैन हो, एमआरआई हो, वो सभी फैसिलिटीज़ इस हॉस्पिटल में भी आ जाएगी। उनका ये कहना है कि यहाँ पर जो बड़ी मशीनें हैं वो यहाँ पर नहीं हैं, जबकि सरकार बोल कहा, मैंने भी वही कहा 200 बेड से 600 बेड हो जाएगा, आपके पास में हॉस्पिटल में इतनी जगह अवेलेबल तो है नहीं है जो आप 600 बेड कर दोगे। पास हो चुका है, बनने के लिए तैयार है 600 बेड का हॉस्पिटल। ये सारी बातें कभी आपने अपने पार्षद, अपनी विधायक या आसपास के लोग उनके सामने रखी है? रखा सन 2003 से शास्त्री पार्क हॉस्पिटल चालू है। और तो सबसे तो फिर तो वजह क्या है, आखिर वजह क्या होती है वहां से, आपको वहां से क्या रिप्लाई, वहां से क्या रिप्लाई मिलता है? केजरीवाल आकर देखा है कि जगप्रे चंद्र हॉस्पिटल है कहाँ? केजरीवाल साहब का विजिट होता है यहाँ पर, सीएम साहब का विजिट होता है, तो यहाँ परसों भी आए थे। देखिए अब ये बातें सामने रखी, अगर ना देख पाए, देखिए एक चीज, एक सवाल का एक जवाब हो, बहस नहीं। देखिए केजरीवाल साहब वक्तन इस एरिया में आते रहे हैं, यहाँ के स्कूल केजरीवाल साहब की वजह से, यहाँ की फैसिलिटीज जितनी भी हैं वो आज केजरीवाल साहब की वजह से हैं। एजुकेशन पे ये बोलना चाहता हूँ मैं, 20 साल से हमारे पूर्व विधायक थे, 20 साल से जो ये टेंट वाला स्कूल था जीनत महल स्कूल, अब इसके बारे में कोई बात करे, जैसे लेडीज़ों को दिक्कत होती थी टॉयलेट जाने में, जो बच्ची होती थी पाँच पाँच घंटे तक वो पेशाब नहीं कर पाती थी, इतना बुरा टॉयलेट का हालत होती थी। अब उन्होंने इसका जो टेंट जीनत महल स्कूल है इसे इतना डेवलप कर दिया उन्होंने। असल जो समस्या है कि हमारे इलाके में बहुत छोटे छोटे मकान हैं, सबसे पहले यहाँ पर पार्किंग की समस्या होनी चाहिए, पानी की समस्या है उसके लिए हम मना नहीं कर रहे, लेकिन गर्मी का टाइम होता है तो पानी शॉर्ट पड़ता है, ठीक है, लेकिन वो लोग भी, ये आम आदमी पार्टी के लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। देखिए देखो ईमानदारी की बात यहीं पर देख लो, ये कह रहे हैं पानी की कोई समस्या नहीं थी, और हमारे पूरे इलाके के लोग, हमारे काउंसलर साहब भी बता देंगे, विधायक जी ने, पिछले विधायक जी ने पानी दिया, झूठ नहीं बोलना चाहिए, कह रहे हैं पानी की कोई समस्या नहीं है इन, और कह रहे हैं पार्किंग की वजह से जी सकते हैं, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ पानी के बारे में? कहा कि सिलमपुर जाफराबाद ये छोटी छोटी गलियां हैं, इसमें पार्किंग का प्रॉब्लम है, ये बात रखी, और पानी की समस्या नहीं है सबसे बड़ी, पार्किंग के लोग बोल रहे हैं। देखिए एक बात सुनिए अकरम भाई, आप जानते हैं अच्छी तरह से, ये पूरा कंजेस्टेड इलाका है, इनके कारखाने हैं, ये कारखाने वाले हैं, ये जैकेट के काम करते हैं, ये दुकानदार है, क्या इनकी दुकानें तोड़वा के पार्किंग बनाई जाए? यहाँ पर पार्किंग कौन दे सकता है? पार्किंग एमएलए कौन सर दे सकता है? कौन सर भी इनका और एमएलए भी इनका, तो पार्किंग कौन देगा? एक मिनट, शाबू भाई ने बात की हॉस्पिटल की, अस्पताल के अंदर फ्री दवा का बोर्ड लगा हुआ है, आप मुझे बताइए पूरे हिंदुस्तान में दवा पे पैसे खाओ कौन से हॉस्पिटल में ली जाते हैं? पूरे हिंदुस्तान में हर जगह दवा फ्री मिलती है, पोस्टर लगाने का क्या मतलब है? फिर दवा कैसे मिलेगी? ये बराबर हॉस्पिटल से जुड़े हुए हैं, आज तक इनकी बात क्यों नहीं सुनी जा रही है? ये मेंबर है उस हॉस्पिटल में, इसलिए ये बात रखिए सामने जी, बोलिए। ये मेरे बड़े भाई जान जो ये कह रहे हैं गुड्डू भाई, इनके विधायक ने 25 साल कुछ नहीं करा, वक्फ बोर्ड की जमीन बोझ दी, पानी यहाँ पे किसी के घर में आरओ नहीं था, पहले नल का पानी पिया करते थे। उन्होंने 10 साल वक्फ बोर्ड के वाइस चेयरमैन, वो जल बोर्ड के भी चेयरमैन है, और वक्फ बोर्ड में 20,000 करोड़ का घोटाला करा। रही बात विधायक की, हमारे मौजूदा विधायक
जो बात है अभी इधर की जो प्रॉब्लम है दिक्कत वो रखिए सामने, उससे मुतालिक दिक्कत ये है, हमारे विधायक जी ने सिलमपुर वार्ड के अंदर कोई काम नहीं कराया, 4.5 साल गायब रहे, 25 साल वाले भी ऐसे ही गुजर गए और ये 5 साल वाले भी, यानी किसी विधायक ने काम नहीं कराया ना पहले ना इसने, नहीं उन्होंने कुछ नहीं कहा। सिलमपुर विधानसभा 65 आबाद है और सिलमपुर के अंदर पूछे कि सवाल क्या है, अच्छा आपको हालात दिखाता हूँ ये देखिए, अच्छा देखिए इस टाइम काउंसलर बैठे, ये सवाल पूछे क्या है, सवाल पूछिए, सवाल है आपका, सवाल ये है विधायक जी कहते हैं कि 4 महीने में 100 करोड़ रुपए बचे हैं, काम बताइए 700 करोड़ रुपए कहाँ लगाए वो नजर नहीं आ रहे, ये सवाल है पैसा है वो कहाँ पर लगाए, चलिए सुनिए सुनिए अब जवाब लेते हैं अब्दुल भाई खड़े हो जाए, देखिए सवाल बहुत सारे इस पर एक के बाद एक आ गए हैं, उन्होंने पूछा कि अगर जो पैसा लगाए तो वो पैसा कहाँ पर लगा उसका जवाब दें, देखिए लगा हुआ तो हर जगह दिखता है, आप एक बार सर प्लीज, पैसा लगा हुआ दिखता है, विधायक जी ने मैंने तो ये सवाल सुना नहीं कि उन्होंने 700 करोड़ या 800 करोड़ लगाए, देखिए हमारी विधानसभा में बहुत सारे ऐसे काम हुए हैं जो कभी नहीं हुए थे, आज पैसा जितना भी बजट का आता है 100% खर्च होता है, बल्कि एक्स्ट्रा पैसा लाया जाता है। रही बात हमारे पूरे सीलमपुर में ब्रह्मपुरी रोड डिवाइडर नहीं था, डिवाइडर बना, शास्त्री पार्क पर पुल बन रहा है, सीलमपुर पर डबल फ्लाईओवर बन रहा है, जितने भी तरक्याती काम थे ब्रह्मपुरी पूरे रोड पर ट्रांसफार्मर ऊपर उठाकर रखने का काम चल रहा है, लेकिन लेकिन सवाल अभी उनके जो हैं वो जवाब अभी रह गए कि हॉस्पिटल का और पानी का हुआ, जी आप बताइए इधर 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 आइए सर, देखिए पानी की समस्या भाई साहब ने एक बात कही, सुन लो भाई साहब सुनो, पानी की समस्या जो जनाब ने कही है, पानी की समस्या पिछले 6 साल पुरानी, पुराने विधायक से यहाँ समस्याएं इतनी है कि उसे करते करते विधायक को 4.5 साल लग गए। हमारे पास सबसे बड़ी बात है पायलट प्रोजेक्ट के स्कूल बनाए गए, सबसे बेहतरीन शिक्षा पे काम हुआ, फिर अस्पतालों पे काम हुआ, मोहल्ला क्लिनिक पे काम हुआ, और जनाब देखिए पिछले विधायक जी जो रहे थे कांग्रेस सरकार के, उसमें एक नाली की तरह पुल बनाया गया था क्योंकि हम 2M दर्जे के नागरिक थे, हमें शिक्षा पे काम नहीं हुआ, हमारे रोड जाम होते हैं, आज भी आज देखिए 6 लेन का पुल अरविंद केजरीवाल जी ने बना, 70 साल में किसी सरकार ने पूरे हिंदुस्तान में इतना कोई काम नहीं करा जितना अरविंद केजरीवाल ने किया है। देखिए साहब सवाल सीधा हुआ है कि 2M दर्जे के लोग समझे जाते थे यहाँ पर, क्या ऐसा था, क्या ऐसा हुआ है? बड़े किस्मत वाले हैं जिस दिन से इस विधायक को लाए, जिसको तालीम के नाम पे बिल्कुल कुछ नहीं आता, जिसको विधानसभा में बोलना नहीं आता, और उसके लोग 2M दर्जे से पहले दर्जे पे आ गए, ये क्या सोचने की बात है? नहीं व्यक्ति तक नहीं, बात ये है नहीं, आप एक बात सुनिए, सबसे पहले 21 साल के अंदर सीलमपुर विधानसभा बदनाम हुई है, जिसका विधायक पढ़ा लिखा ना हो आप 2M दर्जे की बात, ये व्यक्ति का सवाल नहीं है, हमने किसको वोट दिया है, हमें किसे वोट देना चाहिए, हमें तालीम की बात करनी चाहिए, स्कूल सही कर दिए, तो चल रही है, आप एक बात सुनिए, एजुकेशन के अंदर आपने क्लीप पूति करने के बाद एजुकेशन की बात कर दी, इमरान भाई बैठे हुए सवाल इनसे भी करिए, मेरे इनसे भी सवाल, सबके पास आ रहा हूं, सबके पास आ रहा हूं, सबके पास, ये लोग सबके सबके सर सर देखिए, अच्छा ठीक है सर, एक मिनट एक एक करके एक 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 करके भाई 20 सेकंड ठीक है, इन्होंने अपने विधायक से कोई आज तक काम क्यों नहीं लिया, ये हर वक्त विधायक के साथ रहते हैं, विधायक के साथ घूमते हैं, विधायक को काम कैसे नहीं ले सकते, विधायक इनकी सुनता नहीं या उन्हें कुछ आता नहीं या इनकी बात नहीं मारी जाती सर, अभी देखो एक मिनट भाई मेरे बड़े भाई मेरे अजीज गुड्डू भाई बैठे हैं, मैं इनकी बात का जवाब दे रहा हूँ, जब इलिटरेट विधायक ने आम आदमी पार्टी के ने इतना काम कर दिया तो पढ़ा लिखा विधायक क्या काम करेगा, अपने आप में जज्बा और जोश भरा हुआ है, एक के बाद एक लोगों में एक के बाद एक सवाल है और जवाब भी लगातार आ रहे हैं, जैसे कि अभी हमारे गुड्डू भाई ने अब बात उठाई कि इस पानी की प्रॉब्लम है, मैं गुड्डू भाई से एक सवाल ये करना चाहूँगा, अपने इनके माध्यम से जो पूर्व विधायक थे वो पिछले 15 साल तक जल बोर्ड के उपाध्यक्ष रहे और इस इलाके की सीवर लाइन और पानी की लाइन बेहतर से बेहतर हो सकती थी, लेकिन उन्होंने उसके नाम पे कुछ नहीं करा। मैं जानना चाहता हूँ कि पिछले 15 साल के अंदर दिल्ली में जो है केजरीवाल से पहले दिल्ली में शीला दीक्षित यहाँ पर मुख्यमंत्री रहीं, उनके जो है 5 काम ये बता दें तो इनको मान जाऊँ, और यहाँ पे पब्लिक इतनी बैठी है आप उनसे पूछिए वो केजरीवाल सरकार के 15 काम बता देगी। मैं केजरीवाल के काम की नहीं पूछ रहा हूँ, पहले ये अपना ही काम बता दें, बात केजरीवाल की कर रहे हैं, अपने काम पे जीरो है ये, इनके मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि ये 15 साल में 5 काम शीला दीक्षित के नहीं गिना सकते, बात सिलमपुर की हो रही है, सिलमपुर विधानसभा बात सिलमपुर की भी हो रही है, सिलमपुर के अंदर एजुकेशन में केजरीवाल सरकार ने मॉडल स्कूल बनाए हैं, यहाँ पे बिजली के दाम जो है
कम हो गए, यहाँ पर पानी जो है पहले से बेहतर हो गया है, यहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट व्यवस्था थी पहले से बेहतर हो गया है। ये हमारी यहाँ जो इस वार्ड में, जिस वार्ड में हम खड़े हैं, उस वार्ड के काउंसलर के शौहर हैं, इनका नदीम भाई नाम है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये यहाँ की समस्या की बात तो कर नहीं रहे, केजरीवाल तक पहुँच रहे हैं। इन्हें मालूम है अगर ये यहाँ की बात करेंगे तो इनका गिरबान पकड़ा जाएगा। आप देखिए, दो दिन पहले यहाँ बिल्डिंगें गिरी हैं, किसके कार्यकाल में गिर रही है, इस विधायक के। और विधायक जी कह रहे हैं एमसीटी जिम्मेदार है। अरे भाई, एमसीटी में तो तुम ही बैठे हो, तुम्हारा विधायक तुम्हारे मुंह पे। मैं बता, देखिए, एमसीडी बिल्कुल जिम्मेदार है, मैं भी मानता हूँ। वार्ड हमारा नहीं है, वार्ड सीलमपुर है, बीएसपी से काउंसलर हैं, लेकिन एक मिनट, इमरान साहब, एक चीज, एमसीडी में भाजपा बैठी हुई है। जिम्मेदार काउंसलर नहीं होता, जिम्मेदार सरकार होती है। सरकार में मेयर भाजपा का, स्टैंडिंग कमेटी भाजपा की, जोन चेयरमैन भाजपा का। सवाल ये है कि हमारे जो मौजपुर का इलाका है, मेरे बड़े भाई रहते हैं, वो बीमार, इस कदर का बोला भी नहीं जाता उनसे, उनके से कोई मिलने को नहीं जा सकता, क्योंकि पूरी गली गड्ढे उतरे खुदी रही। रमजान से पहले गली खुदी है और अभी दो महीने हुए, पूरी गली बनी नहीं है। आज हमारी बेटी रहती है, उसके घर में जा नहीं सकते हम। गली रमजानों से खुदी पड़ी है, ईद निकल गई, लोग बीमार हैं, जा नहीं सकते, तो उसके लिए क्या किया है आपने? जो है वो जो गली जो है वो विधायक जी बनवा रहे हैं, और उसमें जो परेशानी आ रही है, किसके अंतर्गत आती है, पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत आती है या फ्लड डिपार्टमेंट के अंदर आ रही है, उसमें जो परेशानी आ रही है उसको जो विधायक जी से मिलकर उसको दूर कराया जाएगा। नहीं तो आपने अभी तक कोई काम किया उसके, क्योंकि वो आप ही का क्षेत्र है। हाँ, उसके लिए कई बार हम बोल चुके हैं विधायक जी से, तो शायद अगर आप वहाँ के चुनकर आते हैं तो आपकी जिम्मेदारी आपकी बन जाती है, क्योंकि सरकार में, राज्य में आप हैं। अगर आपके अंतर्गत नहीं आती तो आप कम से कम उनको अप्रोच कर सकते हैं। नहीं, हम लगातार उनको अप्रोच कर रहे हैं, और दरअसल में एमसीडी में फंड तो है नहीं, आप जानते हैं, इस दिल्ली के अंदर तो जो भी काम जो है वो एमसीडी का नहीं है ना, बताने के वो फ्लड कब, तो उसके लिए जो है हमारे जो इमरान हसन भाई हैं वो विधायक प्रतिनिधि बन के भी आए हैं, तो बेहतर रहेगा कि वो। सर, यहाँ पर आज सारे माननीय हमारे इलाके के माननीय नेता हैं, और मेरे आपके माध्यम से अरविंद केजरीवाल साहब को एक मैसेज है कि हमारे इलाके में एक बहुत बड़ा रेशू, एक बहुत बड़ा इलाका गरीब लोगों का आता है, और यहाँ पर एक बिजली के मीटर का इतना बड़ा इशू चल रहा है, जो एक हाइट का दिया है, किसी के घर में अगर पांच मेंबर है, पांच फैमिली आए तो वो कितनी हाइट लेके जाएंगे, छोटा 25 गज का मकान है, वो पांच बिले 49 फुट की हाइट दे दी गई सरकार ने, कह के इसके 49 फीट है, वो पांच फैमिली मेंबर रह रहे 25 गज में, वो कितनी हाइट लेके जाए, कहाँ जाए। अब्दुल रहमान साहब से सवाल पूछेंगे, अब्दुल साहब, बिजली से मुतालिक जो सवाल उठाया था उसके लिए उसका क्या जवाब है आपके? नहीं, इलाके के लोग इस बात से दो चार हो रहे हैं, जूझ रहे हैं, अगर वाकई इसमें कुछ कर सकते हैं तो हम भी माननीय मुख्यमंत्री जी से लेकर के इस बात को मिलेंगे कि ये हाइट को बढ़ाया जाए और लोगों के मीटर लगने चाहिए। इसमें आपने अभी तक कोई सवाल रखा, कोई प्रपोजल रखा है आप अपने अपने जो अपने विधायक हैं या अपने जो मिनिस्टर हैं सत्येंद्र जैन, इसके ऊपर? विधायक जी से मेरी बात हुई थी कई बार, इस पर विधायक जी ने भी यही कहा कि विधानसभा में ये क्वेश्चन मैं इस बार उठाऊंगा कि साहब इसकी हाइट बढ़ाई जाए ताकि गरीब लोगों का मीटर लग सके और वो भी बिजली का सुख उठा सके। 41 में अब्दुल रहमान जैसा काउंसलर को आज तक कोई पैदा ही ना होगा। आप तारीफ पर आ गए, सवाल पूछिए क्या है? सवाल हमारे यहाँ सारा काम अच्छा, जो इनका सवाल है आपकी तारीफ ही आपका सवाल है। आपकी तारीफ जी। पहली बात तो आप सीलमपुर विधानसभा चैनल में कोई मीडिया वाला आया उसका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। इस सीलमपुर विधानसभा की सूझ ली, एक दिल्ली का चेहरा वो है जो लूटियस जोन है, जहां वो बड़े बड़े वीआईपी कल्चर लोग रहते हैं, एक दिल्ली ये भी है, सीलमपुर जाफराबाद चौहानबाग गंदगियों के अंबार भरे पड़े हैं। मेरा काउंसलर साहब से सवाल है, रोड नंबर 66 पे कट किसकी शेपे बंद हुआ? इनके मौजूदा विधायक है तीन, ये काउंसलर हैं, क्यों नहीं कट खुलता? वो जवाब ले रहे थे क्योंकि सवाल क्यों, फिर उसके बाद पीछे आएंगे। अब्दुल रहमान काउंसलर से जवाब लेते हैं जी साहब। देखिए, उन्होंने सवाल सीधा किया है कि जो गली की बात है वो उधर बंद हुई है, जो मोड़ बंद हुआ है, आप खुले तौर पर बताइए, खुलकर बताइए क्या है। देखिए, मैं एक चीज बताऊं, जिस ये कट की बात कर रहे हैं वो कट हमारी वजह से नहीं, डीसीपी साहब ने और पीडब्ल्यूडी ने वो बंद किया। आए दिन एक्सीडेंट होते थे, पूरा रोड जाम रहता था, उस कट को बंद तब से किया गया है, तब से आसानी से रिमूव कर रहा है वहाँ से ट्रैफिक। वो बंद होना बहुत ज़रूरी था, उसमें जनता का फायदा है, जो एक्सीडेंट होते थे वो बंद हो गए। कूड़े की बात उन्होंने रखी है, अल्लाह का शुक्र है हमारे इलाके में, आप जनता से पूछें, पूरे मेरे वार्ड के अंदर अगर कूड़ा नाली से भी निकलता है तो तुरंत उठाया जाता है। अब पूरी जनता से पूछ ले, वो भाजपा को बिलोंग करते हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं, पार्टी ये नहीं है कि वो किस पार्टी से सकते हैं, पार्टी से आप पूछ सकते हैं किसी से कि वो सीलमपुर को रिप्रेजेंट करते हैं। जो कट हुआ बंद वो बहुत सही हुआ है, उससे एक्सीडेंट बहुत बचते हैं, नहीं तो बैटरी रिक्शा वाले जो होते हैं रोड साइड जमर्जी मोड़ देते हैं, इधर से बंदा आ रहा होता है और एक्सीडेंट
जाम की समस्या रहती है, जाम बहुत ज़्यादा रहता है। सिलमपुर से लेके मोचपुर तक आप जाओ 25 से 30 मिनट लगते हैं भाई साहब, 25 से 30 मिनट। सर वो कट जो है तीन विधानसभाओं को जोड़ता है, भाई के ज्ञानी है, ज्ञानी से ज्ञानी मिले, ज्ञानी को मिले ज्ञान, रोहतास नगर और क्या कहते हैं आपका बाबरपुर विधानसभा। आए दिन बच्चों के एक्सीडेंट होते, लोग क्रॉस करके जाना पड़ता है, कितना लंबा घूम के जाना पड़ता है, इनको ये बात का नहीं पता। इतना लोग यहाँ से मकान बेच बेच के भाग रहे थे, अब्दुल रहमान भाई ने इतने बढ़िया काम किए हैं कि लाजवाब वाले, ये तो जबरदस्ती की बात है। लोग 5-3 साल पहले बिरयानी कोर में खा रहे हैं, जब लात लग गई तो अब बीजेपी के गुण गा रहे हैं। पागल तो बोल रहा है कट जमा रोक दिया, इससे जाम मुक्त हो गया, ये तो पागल आदमी के हमारे पागल नहीं। देखिए व्यक्तिगत तौर पर किसी पर टिप्पणी नहीं, पर्सनली किसी पर टिप्पणी नहीं, बिल्कुल गलत पर्सनली किसी पर नहीं। एक शेर का के चमचे कभी वफादार नहीं होते, चमचे कभी वफादार नहीं होते और वफादार कभी चमचे नहीं होते, ये चमचे हैं, ये चापने। देखिए व्यक्तिगत तौर पर कोई किसी के पर आपत्ति नहीं जताएगा, व्यक्तिगत तौर पर कोई बात नहीं होगी यहाँ पर, वो जो भी होगी वो खुले तौर पर या तो पार्टी सरकार लेवल पर होगी जो बात होगी। चलिए इधर कुछ लोग हैं, जी आ रहा हूँ मैं आपके पास। बताइए सर, हमारे इलाके में जो काम हो रहा है उसको रफ्तार देने के लिए हमें एक पढ़ा लिखा कैंडिडेट चाहिए। हम अरविंद केजरीवाल से अपील करते हैं कि हमारे इलाके में एक पढ़ा लिखा कैंडिडेट दें, ताकि हमारे इलाके में जो काम चल रहा है इसमें रफ्तार आ सके, उसमें तेजी से काम हो सके। जी सर बताएं। मेरा कहना यह है, यहाँ पर हम सब लोग अपने इलाके की समस्या लेके बैठे हुए हैं, यहाँ पर हम किसी के विरोधी नहीं है, हम इसी इलाके में रहने वाले हैं, यहाँ इलाके की समस्या की बात कर रहे हैं। देखिए अल्लाह का शुक्र, पहली बात तो यह है कि हमारे इलाके में आज और आज से 5 साल पहले जमीन और आसमान का फर्क है। रही मेडिकल की बात, तो आहिस्ता आहिस्ता मेडिकल पे कितना काम हो आप भी जानते हैं, पूरी दिल्ली जानती है, पूरा हिंदुस्तान और पूरी दुनिया जानती है कि अरविंद केजरीवाल ने मेडिकल क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में कितना काम किया और कर रहे हैं मुसलसल। अगर फिर भी कोई कमी है तो इंशाल्लाह हम अपने लोगों की भावनाओं को समझते हुए उसे भी पूरा कराएंगे और 100% करा कराएंगे। भाई साहब बात यह है कि अगर कोई काम लेके काउंसलर साहब के पास आए, कोई काम लेके, तो वो कह दे विधायक जी इसके जिम्मेदार है, इस इलाके में समस्या इधर से उधर सब जाता रहता है मामला। ये समस्या भाई आपके जी, तो जी, कोई जी, समस्या है नहीं, जब आपसे नहीं तो आप ये आपके गुड बुक में, ये आपके गुड बुक में शिकायत विधायक से, ये गुड बुक में शिकायत विधायक से। एक सेकंड बैठिए, मैं आपके बताता हूँ इतिहास में उठा के देखिए, कभी ऐसी कोई सरकार आई है जिसको दुनिया के लोग, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री और संयुक्त राष्ट्र के मून साहब देखने आते हैं और उससे वो लेते हैं कि हम सीखने के लिए आए। दोनों से एक छोटा छोटा सवाल आखिर में 5 सेकंड या 10 सेकंड चाहूंगा, ये बताइए अब आप क्या चाहते हैं मुस्तकबिल, भविष्य में आप क्या चाहते हैं, किस तरह के लोग जाते हैं, कैसी सरकार जाते हैं, कौन सा नेता? जो केजरीवाल साहब ने कहा था पूर्णराज के दर्जे की बात, और वो पूर्णराज के दर्जा क्यों मांग नहीं कर रहे हैं और उसका धारा 370-18 में समर्थन क्यों किया उन्होंने? जी अब आप बताइए सब आखिर में आप क्या करने वाले हैं। दर्जे की जहाँ तक बात है, देखिए पूर्ण राज्य के दर्जे की जहाँ तक बात है, हमने कहा था अगर हम लोकसभा में जीत गए तो हम लोकसभा के अंदर पूर्ण राज्य के दर्जे की लड़ाई लड़ेंगे। हम जीते नहीं तो हम लड़ाई लोकसभा में ही तो लड़ सकते हैं, हमारा एक भी मेंबर नहीं है। दूसरी बात, धारा 370 की भाई ने कही कि आप धारा 370 का समर्थन क्यों कर रहे हैं। देखिए देश का एक अभिन्न अंग है कश्मीर, अगर धारा 370 हटाइए तो हम उसका दिल से समर्थन करते हैं कि वहाँ हर भारतवासी का हक है कि वहाँ प्लाट खरीदे, वहाँ रहे, वहाँ जमीन ले, हर भारतवासी का। चलिए मेरे ख्याल से निकलते आइए, 370 का समर्थन मैं भी करता हूँ, मैं भी करता हूँ कि वो भारत सरकार ने हटाई है, लेकिन केजरीवाल साहब पूर्ण राज्य का दर्जे की मांग करिए, पूर्ण राज्य की बात कही उसमें लोकसभा में, सर बैठिए सर, लोकसभा में जीतने के बाद पूर्ण राज्य के दर्जे की बात करिए और वो लेकर आएंगे, ये बात उन्होंने रखी है। सिलमपुर विधानसभा से हमने सारी बातें आप तक पहुंचाई थी, जो इनकी समस्याएं थी वो सब हमने आप तक पहुंचाई थी, जो भी सारी बातें हैं चाहे वो विधानसभा के विधायक की हो या फिर यहाँ के पार्षद की हो, तकरीबन दो पार्षद जो यहाँ पर तकरीबन इधर मौजूद थे, दूसरी तरफ इसके अलावा जो अलग अलग विधानसभा और वार्ड के जो लोग हैं वो भी यहाँ पर मौजूद थे, और बेसिक यानी कि जमीन से जुड़ी हुई जो सारी बातें थी वो सब यहाँ पर लोगों ने रखी और ये कहा कि यहाँ पर बहुत कम लोग आते हैं जो यहाँ की बात ऊपर सत्ता तक पहुंचाते हैं, तो हम एक वही माध्यम है, अपने आप में एक वही सेतु है जो पूरे 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 सत्ता के गलियारों तक यहाँ की बात पहुंचाते हैं। अब मुझे और मेरी टीम द न्यूज बास्केट को इजाजत दीजिएगा और इस चैनल को द न्यूज बास्केट को शेयर करना ना भूलिएगा। अब अगली बार किसी और विजय से किसी और जगह, तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।